ना भूलेंगे हम, ना भूलेंगे हम इस पावन पल को जब आप हमारी शो। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स आपको दिखाता है राजधानी में क्या खास हो रहा है। तो समय हम लोग इंदिरा नगर में अभी हमारे पीछे भीड़ देख रहे होंगे। ये सनातन संस्कार मंच की भीड़ है जहां पर पे बच्चों में अच्छे संस्कार डालने के लिए सुबह से कार्यक्रम हो रहे थे। हमारे साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवराम मिश्रा जी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे कि आज के कार्यक्रम के बारे में वो क्या कहेंगे और बच्चों में संस्कार डालने के लिए उनकी संस्था किस तरीके से कार्य कर रही है। आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी। मैं हास्य योगी शिवराम मिश्र, संस्थापक सनातन संस्कार मंच। मैंने ये सनातन नववर्ष उत्सव मनाने की परंपरा शुरू किया है और इसको मैंने इसलिए भी शुरू किया कि आज हमारे आने वाली पीढ़ी को ये पता ही नहीं है कि हमारा नववर्ष कब लागू होता है। ये पहली जनवरी से, जो कि केवल मुश्किल से 200-250 वर्ष अंग्रेज यहाँ राज किए हैं और हमारे जो पूर्वज रहे हैं उनको इस तरह से जबरदस्ती बलपूर्वक पहली जनवरी को मनाने का उन्होंने बाध्य कर दिया था, लेकिन अब वो समय नहीं रह गया है। अब वो समय दूर हो गया है कि हम अपने फिर सनातन के तरफ लौटें और अपनी परंपराओं को अपनाएं, अपनी संस्कृति को अपनाएं। बच्चों में संस्कार डालने के लिए आपकी संस्था किस तरीके से कार्य करती है, क्योंकि अभी भी लोग 2023 में जी रहे हैं जबकि 2080 चल रहा है हमारा। बच्चों में संस्कार डालने के लिए मैं देखा आपने मैडम की, हमने बच्चों का जो नौनिहाल बच्चे हैं विशेषकर 4 साल से लेकर 12 साल तक, उनको हमने आध्यात्मिक कार्यक्रम कराने का आयोजन किया है जिसमें वो हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, रामचरितमानस की चौपाई, ये सब कंठस्थ है और शिवतांडव भी एक बच्ची ने सुनाया, पूरा पूरा शिवतांडव सुनाया है। ये हमारे सनातन संस्कार मंच के मेहनत की देन है। और भी कुछ लोग उनसे बात करें, क्या नाम है? राजेंद्र सिंह। क्या कहना चाहेंगे ऐसे कार्यक्रम? ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए, ऐसे कार्यक्रमों की बहुत आवश्यकता है। अगर ये कार्यक्रम नहीं होंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी जो है वो अपने पूर्वजों को भूल जाएगी, अपने मान बिंदुओं को भूल जाएगी, अपनी संस्कृति को भूल जाएगी। इसलिए अपनी संस्कृति को यदि बचाना है तो फिर ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। तो किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए या राजपाट को संभालने के लिए एक मंत्री की बहुत आवश्यकता होती है, तो हमारे साथ में भी एक मंत्री जी जो उन्होंने पूरा कार्यक्रम का मंचन किया हुआ है, तो उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ में उदय जी हैं, तो उनसे बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू अर्चना जी। जी दरअसल हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे गुरु जी का बहुत बड़ा योगदान है और छोटे बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए हमारे वरिष्ठ प्रदेश अध्यक्ष सर महेश मिश्रा जी का योगदान है। चूँकि हमारे घरों में आजकल देखा हुआ ना, जैसे माननीय डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी कह रहे थे कि पहले लोग बर्थडे मना रहे हैं फिर वो केक काट रहे हैं, तो हमारे पश्चिम देशों की जो सभ्यता आई है वो ना हावी होने पाए और हम लोग अपनी संस्कार अपने संस्कृति को जागृत रखें, इस तरह हम लोग कार्य कर रहे हैं। सुबह से कितने बजे से कार्यक्रम शुरू हो गया था? सुबह हमारा इसमें हम 3 बजे से हम लोग लगे थे इसमें। क्या क्या कार्यक्रम हुए थे? कार्यक्रम में हम लोगों ने पहले बच्चों को सुंदरकांड हुआ, पहले तो सुंदरकांड होने के बाद भी बच्चों को आध्यात्मिक कार्यक्रम कराया गया, उसके बाद सब सांस्कृतिक कार्य चलते रहे। मेरा नाम महेश मिश्रा है, मैं सनातन संस्था के अध्यक्ष हूँ। हम यही कहना चाह रहे हैं कि हम लोग जो ये पीढ़ी कर रहे हैं कि आज के आने वाली पीढ़ियों को कि सनातन में यूज़ करें, जैसे कि आने वाली पीढ़ी माँ बाप का सुबह उठ के पाँव पड़े, कि बच्चे आजकल माँ बाप को सुबह पाँव नहीं पड़ते, माँ बाप ऑफिस चले जाए बच्चे सो रहे हैं, तो आजकल ऐसे है कि कहीं भी बच्चा बाहर निकले घर से माँ बाप को पाँव पड़ के जाए, सनातन धर्म का पालन करें, बस यही कहना चाहें। तो आज हम लोग आए थे इंदिरा नगर में जहाँ पर सनातन संस्कार मंच के द्वारा कार्यक्रम किया गया सनातन धर्म को लेकर, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए उनके अंदर संस्कार के मंच भी यहाँ पे लगाए गए, बच्चों को आगे से आगे यहाँ पे प्रतियोगिताएं कराई गई किस तरीके से हमारे जो भी प्राचीन काल में जिस तरीके से जो भी रामायण थी रामचरितमानस था उसको लेकर के भी यहाँ बहुत सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे जा रहना चाहूँगी, धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल से। हम आपको दिखाते रहेंगे कि लखनऊ में क्या खास हो रहा है। धन्यवाद। संस्कार की, सनातन धर्म की।
हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।